कुछ आ नहीं रहा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। वाह, बहुत सारे होनहार साथी जो हैं अभी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही ये जबरदस्त समय आता है ना प्रवेश पाल जी। जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आता है वैसे वैसे एग्जाम का भी फेस्टिवल सीजन आता है। तो जिस तरह त्योहारों का ये दौर चल रहा है तो ठीक उसी तरह एग्जाम्स का भी सिरमौर चल रहा है। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे जैसे फेस्टिवल आएंगे सारे एग्जाम्स में जो उसके शेड्यूल हैं वो अनाउंस होते जाएंगे। इसी कड़ी में आज जो हमारे साथियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आर्यव्रत बैंक के जो साथी हैं जो जुड़े हुए हैं उनका नोटिफिकेशन आया है प्रमोशन एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन से पहले भी मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आपका माइंड सेट है किस लिए, इस प्रमोशन एग्जाम को पाने के लिए। जब आपका माइंड सेट है तो फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका संकल्प शक्ति चाहिए और आपकी कार्य शक्ति चाहिए और उसके लिए जो आपने कामना किया हुआ है उसके लिए आराधना चाहिए और साथ ही साथ साधना चाहिए और उस दिशा में बढ़ने के लिए आपका कार्य निष्पादन चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए। तो विशाल जी नमस्कार कर रहे हैं, आरिफ जी, राजेश जी, विजय रजक जी, सभी साथियों को शुभ संध्या, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो जय माता दी, आप सभी को जो है बेहतरीन तरीके से जीवन मिले, एक शक्ति मिले जिससे कि आप सफलता के उस मुकाम को बहुत ही आसानी से कर पाओ, तो हासिल कर पाओ। आज का सेशन जो है स्पेशल स्ट्रेटजिक सेशन होगा आर्यव्रत बैंक के साथियों के लिए, क्योंकि आज जो है प्रमोशन का नोटिफिकेशन आया है ना। कोई है आर्यव्रत बैंक के साथी को जुड़े हुए हैं? प्रवेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? और भी कुछ साथी जुड़ेंगे, शायद जुड़ रहे हैं तो सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी। हाँ जी, तो बहुत वैसे तो आर्यव्रत बैंक के जो हैं कम साथी जुड़े हुए हमारे साथ, लेकिन फिर भी जो भी जुड़े हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य हैं। तो सर नमस्ते, सर नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ प्रवेश जी, क्या खबर है, खबर बताइए। हेलो। हाँ प्रवेश जी, क्या खबर है आज का, ताजा खबर क्या है? जी सर, आज नोटिफिकेशन ओपन हो गया है सर, वैकेंसी ओपन कर दी गई हैं। तो थोड़ा साहस बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना, जबरदस्त तरीके से। जी जी जी। तो आज नोटिफिकेशन हो गया, सारे स्केल्स के लिए प्रमोशन के वैकेंसीज डिक्लेयर कर दिए गए। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है एलिजिबिलिटी और वैकेंसी और स्ट्रेटजी और क्या क्या सिलेबस आएगा इसके बारे में उजागर कर देना, सीनियरिटी लिस्ट सारी चीजें जारी कर देना। और ये जो नोटिफिकेशन आ गया इसका संकेत ये भी समझिए कि IBPS से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, कभी भी डेट अनाउंस होगा। आपको क्या लगता है कब एग्जाम हो जाएगा प्रवेश जी? जी सर, डेट तो नेक्स्ट मंथ में ही आनी चाहिए कोई सर, क्योंकि वैकेंसी भी ओपन कर दी है सर, अक्टूबर नवंबर में होगा। हाँ जी, देखिए क्या होता है जब भी ऐसे नोटिफिकेशन जारी होता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जारी करता है बैंक। क्यों जारी करता है, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है, आप बताइए ग्रामीण बैंक के साथी प्रवेश पाल जी। ये जो नोटिफिकेशन है इतने मतलब अभी जैसे जारी हुआ है तो हो सकता है महीने भर के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, एग्जाम आ जाए और समय भी कम मिले। कई कई बैंकों में 15-15 दिन का समय मिलता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्या होगा अगर आप पहले ही अगर कर देंगे, बहुत पहले से अनाउंस कर देंगे तो क्या होगा, स्टाफ का जो ध्यान है ना वो प्रमोशन एग्जाम की ओर स्कैटर्ड हो जाएगा करके ना, इधर उधर कह लो छुट्टी लेके चले जाते हैं, है ना। देखो प्रवेश पाल जी तो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, मतलब फिर भी बीमार पड़ सकते हैं। ये है सर, बीमार पड़ गया सर, कैसे करें सर, चाबी उधर दे दिए मैनेजर साहब को और बीमार पड़ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो खुद ही मैनेजर है वो किसी और को बीमार कर देंगे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कम समय इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो ध्यान है बिजनेस के से इधर उधर न जाए, तो इसी वजह से बहुत जल्दी हो जाएगा, महीने भर के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। अब सोचिए इस महीने भर के अंदर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने पिछले 3 महीने से मेहनत नहीं किया है तो, और अगर 3 महीने से मेहनत किए हैं तो आपको जो है बहुत सारी चीजें पता होंगी जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्ट्रेटजिक सेशन, जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका किस तरह का प्रमोशन प्रोसेस है और कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि वैकेंसीज के आधार पर आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए। तो ये आर्यव्रत बैंक का नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है प्रमोशन प्रोसेस का, और इसमें देखिए वैकेंसीज इन्होंने डिक्लेयर किया है जो ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट टू ऑफिस असिस्टेंट, जिसको सब स्टाफ टू क्लरिकल बोलेंगे, जो सब स्टाफ से क्लरिकल में जो है 117 वैकेंसी दिया है, और ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर्स स्केल 1 उसको 102 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर स्केल 1, क्लरिकल टू ऑफिसर बोलेंगे, उसके लिए 102 है। कायदे से तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, यही सबसे कम है ना। क्लरिकल टू ऑफिसर जो है ये ऑफिसर स्केल 1 जो है वो ज्यादा होना चाहिए वैकेंसी, लेकिन ये तो बहुत ही कम है 102। कोई बता सकता है कितने होंगे, मतलब इसके कैंडिडेट कितने होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट, क्योंकि पॉलिसी में ऐसा एलिजिबिलिटी दिया नहीं था आपके सर। सर्कुलर फास्ट ट्रैक में 789 है। 789 है ना, तो मतलब एग्जैक्टली 800 800 मान लें तो 800, एग्जैक्टली और वैकेंसी फास्ट ट्रैक में 50 है क्योंकि 50% वैकेंसी है। वाह कमाल है जी, मतलब 12 13 5 है और 800 है फास्ट ट्रैक में। अब सोचो कितने लोगों को आपको काटना पड़ेगा, 10 से ऊपर है आधे से ज्यादा तो उतर जाएंगे। ना। बहुत मेहनत करने की जरूरत है स्केल 1 के लिए, तो ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1। लेकिन अगर आप शिद्दत से तैयारी करते हैं तो एक ही पोस्ट काफी है। क्यों प्रवेश पाल जी, दो पोस्ट लेके क्या करोगे, एक ही है ना, तो युद्ध तो एक पोस्ट के सर लिए। अभी का सहारा है बस सर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं आपके साथ आया हूँ, थोड़ा स्ट्रेटजी साझा करेंगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए बिंदुवार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए जो हमारे सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए 117 वैकेंसी है, तो उनमें उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर जो अवेयरनेस स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से होता है, और सबसे ज़्यादा जो युद्ध स्तर का जो जो अटेम्प्ट किया जाता है या कंपटीशन होता है या प्रतिस्पर्धा होती है वो है क्लरिकल टू ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो इसमें 102 पोस्ट है, तो उसमें 50% जो है नॉर्मल कैटेगरी के लिए है। नॉर्मल कैटेगरी का मतलब जिनमें रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सीधे सीधे इंटरव्यू लेंगे, विजय रजक जाइए, कुछ दो चार सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर, फिर अप्राइजल अच्छा हो गया तो आपको मेरिट बेसिस पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगला है आपका इस ऑफिसर स्केल 1 to 2 के लिए 1262। अरे वाह कमाल हो गया, तो सबसे ज्यादा तो एसी के लिए, मैनेजर साहब के लिए। स्केल 1 to स्केल 2 के लिए 1262 वैकेंसी है, और यहाँ पर अगर कैंडिडेट, किसी साथी को पता है कितने कैंडिडेट होंगे यहाँ पर, एलिजिबल कैंडिडेट कितने होंगे 1 से 2 में, नहीं पता है चलिए, लेकिन ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है, 1262 वैकेंसी, मतलब यहाँ तो काफ़ी संभावनाएं हैं। और ऑफिसर स्केल 2 to 3 में 755, इसमें भी बहुत वैकेंसी है, और ऑफिसर स्केल 3 to 4 में 15 वैकेंसी है। तो चलिए उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट की योग्यता क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे इसमें तो जो कंपटीशन का लेवल होगा क्लरिकल टू ऑफिसर में, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी जो है कम है और जो कैंडिडेट होंगे ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं प्रमोशन की एलिजिबिलिटी। अगर प्रमोशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देखिए जो सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए फास्ट ट्रैक का जो एलिजिबिलिटी दिया है, 5 ईयर्स का जो है काम जो दिया है, सर्विस दिया है, 5 ईयर एक्सपीरियंस फास्ट ट्रैक के लिए, और नॉर्मल ट्रैक के लिए 10 ईयर एक्सपीरियंस दिया है, और ऑफिस असिस्टेंट टू स्केल 1 के लिए 6 ईयर का जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस एज ए ऑफिस असिस्टेंट फास्ट ट्रैक के लिए, और 10 साल की नौकरी हो गई अगर क्लरिकल में, तो आप नॉर्मल चैनल में भी एलिजिबल होंगे,
और ये जो डेट जो कट ऑफ डेट दिया है 1/4/2022 को, 1 अप्रैल 2022 का कट ऑफ है। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, अगर JAIIB का अगर आपने क्लियर किया है तो 1 साल का रिलैक्सेशन, और CAIIB है तो मोर ईयर रिलैक्सेशन। अब यहाँ मोर ईयर रिलैक्सेशन को समझ लें, अधिकतम 3 साल का रिलैक्सेशन दे सकता है, 1 साल JIIB का और 2 साल CIIB का, तो इसलिए इसको मोर ईयर रिलैक्सेशन बोला गया है। और अगर नॉर्मल ट्रैक में बात करें तो भी सेम रिलैक्सेशन है, 10 साल का अगर नॉर्मल ट्रैक है, अगर आपने JIIB किया है तो 1 साल कम हो जाएगा, और मोर ईयर रिलैक्सेशन मतलब मैक्सिमम 2 साल और ज़्यादा, मतलब टोटल रिलैक्सेशन 3 साल का मिल सकेगा। स्केल 1 to 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी है फास्ट ट्रैक में, फास्ट ट्रैक मतलब रिटर्न सर, CIIB के लिए 1 साल रहता है सर। हाँ, 1 साल रहता है, लेकिन बोर्ड ऑफ चाहे जो है वो कंसिडरेशन करता है मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए जी। तो ये सारे कंसिडरेशन है। मान लीजिए यहाँ पर आपका स्केल 1 के लिए 6 ईयर का फास्ट ट्रैक में जो है एलिजिबिलिटी है, लेकिन हुआ क्या, कोई JIIB CIIB के नहीं है, हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो ये जोन जो आपका कंसिडरेशन किया जा सकता है, इस जोन को मतलब इस एलिजिबिलिटी को कंसिडरेशन किया जा सकता है, जिसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, इसीलिए मोर ईयर रिलैक्सेशन बोला है। तो JIIB का 1, CIIB का 2, अधिक से अधिक, लेकिन अधिक से अधिक दोनों मिला के 3 भी देता है, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन होता है उसको, ठीक है। चलिए अब अगर स्केल 1 to 2 की अगर बात करें तो स्केल 1 to 2 मान लीजिए 6 साल का यहाँ एलिजिबिलिटी फास्ट ट्रैक में दिया है, 6 साल का सर्विस होना चाहिए एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी कैंडिडेट नहीं होंगे, तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि नंबर आप जो कैंडिडेट है 3 टाइम्स तक कंसिडर कर सकता है, अगर नहीं है तो उनको 3 टाइम कंसिडरेशन कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर कंसिडरेशन शब्द किया गया है। और स्केल 1 से 2 में अगर हम नॉर्मल ट्रैक में जाएंगे तो 8 ईयर सर्विस एक्सपीरियंसेस मांगा गया है, और रिलैक्सेशन अगर JIIB है तो 1 ईयर, CIIB है तो 2 ईयर, और मैक्सिमम 3 साल का दे सकते हैं। स्केल 2 to 3 में 5 साल का फास्ट ट्रैक के लिए, और नॉर्मल ट्रैक में 7 साल का, और बाकी रिलैक्सेशन एज पर अबव जैसा रिलैक्सेशन था JIIB CIIB का। और स्केल 3 और स्केल 4 के लिए 4 साल फास्ट ट्रैक के लिए है ना, 4 साल जो है यहाँ पर, ये फास्ट ट्रैक नहीं, एक्चुअल में ये नॉर्मल ट्रैक ही है 3 to 4 के लिए है ना, 3 to 4 के लिए ये नॉर्मल ट्रैक ही है, यहाँ पर ये फास्ट ट्रैक में आ गया, ये जो 3 to 4 के लिए ये नॉर्मल ट्रैक ही है। चलिए अब बात करते हैं इनके टॉपिक कैसे कैसे आएंगे। तो जो 3 to 4 के लिए क्या है, इनके लिए नॉर्मल ट्रैक दिया गया है, 15 वैकेंसीज हैं, तो 3 to 4 के लिए ये स्ट्रक्चर है, इंटरव्यू के 40 नंबर होंगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल के 60 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे, और इस 100 मार्क्स में उनकी मेरिट डिसाइड हो जाएगी, और जो टॉप 15 होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इससे हमको ये समझ में आता है कि 3 to 4 जो मिडिल मैनेजमेंट 3 से सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 4 में जा रहे हैं या चीफ मैनेजर में जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल, मतलब उनका परफॉर्मेंस कार्य करने का तरीका। तो ये परफॉर्मेंस अप्राइजल इनका जो है 60 मार्क्स का है और इंटरव्यू 40 मार्क्स का है, तो ये टोटल मार्क्स 100 हैं। तो इनमें देखा जाएगा कि ये परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में उन्होंने कैसा हासिल किया, उनका कार्य निष्पादन के आधार पर ये रेटिंग इनकी की जाएगी। अब बात करते हैं प्रमोशन स्केल 2 to 3, इनके इनको किस तरह से चैनल में देखा जाएगा। इनके 2 चैनल होंगे, एक रिटन टेस्ट चैनल होगा, एक इंटरव्यू चैनल होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल चैनल। तो नॉर्मल चैनल के लिए तो यही भाग है, जितने भी अभी आपके बैंक में नॉर्मल चैनल होंगे उनके 2 भाग होंगे है ना, ये इंटरव्यू होंगे 40 के, परफॉर्मेंस अप्राइजल ये 60 के। लेकिन जो रिटन टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट जो चैनल है फास्ट ट्रैक, उसमें क्या होगा, रिटर्न टेस्ट 50 मार्क्स के होंगे, इंटरव्यू जो है 20 मार्क्स के होंगे, और परफॉर्मेंस अप्राइजल 30 मार्क्स के होंगे। परफॉर्मेंस अप्राइजल 30 मार्क्स, इंटरव्यू 20 मार्क्स, और रिटर्न टेस्ट जो है ये 50 मार्क्स होंगे। और ये जो रिटर्न टेस्ट होगा इसको भी 2 हिस्से में बांटा गया है, 25 मार्क्स जो होंगे जनरल बैंकिंग के, 25 मार्क्स होंगे जनरल बैंकिंग के, और ये जो 25 मार्क्स जनरल बैंकिंग के होंगे ना प्रवेश जी,
ये 50 क्वेश्चन होंगे, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के 50 मार्क्स होंगे, और ये जो आपके 25 मार्क्स होंगे ये 30 होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। तो या तो 40-40 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, या तो 50 और 30 क्वेश्चन होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, ये LAW है, ये गलती से LOW हो गया, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें KYC आता है और आपके जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स आते हैं, मॉर्गेज आते हैं, जो बैंकर राइट्स एंड ड्यूटीज आते हैं, नॉमिनेशंस आता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, और चार्जेस ऑन सिक्योरिटीज के आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, ये सारा बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस है। सरफेसी है, NPA है, प्रॉफिट एंड लॉस के जो इक्वेशंस हैं, फिर आपके जो वीकर सेक्शन है, ये सारे बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस आएंगे। और जो 25 नंबर्स मार्क्स जो आएंगे वो क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं अदर 25 मार्क्स होंगे, ये 2-3 के लिए। अब क्रेडिट पॉलिसी ये बहुत वास्ट होता है, तो इसमें क्रेडिट पॉलिसी के अंदर उनके सारे लोन्स कवर किए जाएंगे और उनकी पॉलिसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर क्रेडिट मैनेजमेंट, इसमें NPA, क्रेडिट मॉनिटरिंग, फिर आपका क्रेडिट डिस्पर्समेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा पार्ट होगा, प्लस रिटेल सेगमेंट, एग्रीकल्चर, MSME, इसके प्रोडक्ट्स भी आएंगे। प्रायोरिटी सेक्टर, थ्रू आउट प्रायोरिटी सेक्टर एक अलग सा टॉपिक है जो 7 आइटम को लेके चलता है। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, ये इकोनॉमिक्स में ये डिटेल से हम लोग सेशंस में चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में। और मैनेजमेंट की बात आती है, जैसे HR पॉलिसी हो गया, HR पॉलिसी, फिर ये मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये सारा जो है मैनेजमेंट में आता है। तो ये स्केल 2-3 में है, और यही सेम पैटर्न जो है स्केल 1-2 में भी सेम पैटर्न होगा। 25 मार्क्स बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस का होगा, और 25 मार्क्स जो है ये अदर सब्जेक्ट के होंगे। अब अगर स्केल 1-2 की बात करते हैं, तो स्केल 1-2 में रिटन टेस्ट 50 मार्क्स के, इंटरव्यू 20 मार्क्स, और परफॉर्मेंस अप्राइजल 30 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स हुए। और इसके पार्ट वन के जो एग्जाम होंगे, मतलब ये रिटन टेस्ट के दो पार्ट होंगे, इंटरव्यू में तो 20 मार्क्स और परफॉर्मेंस अप्रेजल 30 मार्क्स, और रिटन टेस्ट 50 मार्क्स, तो ये 100 मार्क्स। अब इसमें जो रिटन टेस्ट के दो भाग होंगे, एक होगा 25 मार्क्स बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, और 25 मार्क्स जो होंगे क्रेडिट पॉलिसी, ये सारे पॉलिसी समान। तो ये आपका स्केल 1-2 का होगा। तो ये जो है कि सेकेंड पार्ट जो है 25 मार्क्स का, ये क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। तो समझ लीजिए कि अभी का जो अगर ट्रेंड देखा जाएगा, तो इंटरनल पार्ट से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, मतलब 50% आपको इंटरनल से सवाल आएंगे, 50% जनरल से सवाल आएंगे। अभी इस फाइनेंशियल ईयर का 22 और 23 में आप जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उस एग्जामिनेशन को पूरा उठा के देख लीजिए कि इंटरनल सर्कुलर से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, 50% इंटरनल, 50% जनरल बैंकिंग। और जो इंटरनल में आपके बैंक के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं, उनके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब अगर हम जो कंपटीशन वाला, ये एकदम रेड क्यों कर दिया प्रवेश जी, क्योंकि इसकी ना वैकेंसी भी कम है ना, तो ये एकदम खतरा में है एकदम, देखो है? तो बाकी तो एकदम ग्रीन ग्रीन रखा है, आप देख लो खुद ही है, ये अपने आप आ गए, ये देखो ग्रीन है, मतलब सिग्नल एकदम बढ़िया है इसमें, है ना, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ग्रीन सिग्नल है, हैं। और ये 3-2, ये देखो ग्रीन सिग्नल है, अब ये आ गया एकदम खतरा सिग्नल है, क्लरिकल टू ऑफिसर, क्योंकि इसमें 102 102 आउट हो गए, शतक बना के आउट होना है बिल्कुल इसमें, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, तो रिटर्न टेस्ट 50 मार्क्स के होंगे, इंटरव्यू 20 मार्क्स के होंगे, और परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है 30 मार्क्स से होंगे, और टोटल जो है 100 मार्क्स के होंगे। तो रिटर्न एग्जाम जो 50 नंबर के होंगे, उसके भी दो भाग होंगे, एक 30 मार्क्स, एक 20 मार्क्स।
30 मार्क्स जो होंगे वो जनरल बैंकिंग नॉलेज के होंगे, और इस 30 मार्क्स के जनरल बैंकिंग में ये क्लरिकल टू ऑफिसर है, तो इसमें देखा ये पाया गया है कि इसमें 60-40 का रेशियो होता है। 60-40 मतलब 60% जो सवाल हैं वो जनरल बैंकिंग से आएंगे, 40% सवाल जो है इंटरनल बैंकिंग से आएंगे क्लरिकल टू ऑफिसर में। लेकिन कई बैंकों में ये 50-50% भी आता है, लेकिन 60-40 ज़्यादातर बैंकों में पूछा जाता है। ये जो 30 नंबर है ये 60 सवाल होंगे, इस 60 सवाल में से 60% जो आएंगे वो जनरल बैंकिंग के आएंगे और 40% जो आएंगे वो इंटरनल बैंकिंग के आएंगे। अगला भाग आता है जनरल इंग्लिश और हिंदी, तो ये जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है ये 20 मार्क्स के होंगे और इनके क्वेश्चंस होंगे 40। ग्रामीणा बैंक में देखा गया जस्ट जितना मार्क्स है उससे 2 गुना सवाल पूछे जाते हैं, ऑफिसर्स में 1.5 गुना सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्लरिकल टू ऑफिसर्स में जो है ये 2 गुना सवाल, मतलब जितना नंबर है उसका डबल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट में आपको कमाल करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्राइजल तो लगभग सभी का जबरदस्त होता है ना प्रवेश जी एकदम। ये तो देखो मैनेजर साहब को पटियाए हुए हैं बढ़िया एकदम, तो नंबर देंगे ही देंगे, आरएम साहब भी खुश एकदम बढ़िया। तो अप्राइजल में नंबर सबके लगभग जबरदस्त रहते हैं। अब रही बात इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू में बहुत गुंजाइश रहता है नंबर कम होने के, नंबर ज़्यादा पाने के, क्योंकि इसके जो हैं बहुत ही पैरामीटर्स होते हैं कि अगर आप अच्छा काम किए साल भर, एक गलती हो गई तो नज़र में आ गए तो फिर कम नंबर मिल जाते हैं। अगर आप किसी एक काम से अगर चमक गए तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो इंटरव्यू में पूरा पूरा इमेज परसेप्शन है आपका, किस तरह से दिख रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। और रिटन टेस्ट इसलिए सभी अच्छे से तैयारी करते हैं क्योंकि रिटन टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं तो इंटरव्यू में ठीक से नहीं भी बता पाए तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो रिटन टेस्ट में जनरल बैंकिंग, ये तो 30 जो मार्क्स के जनरल बैंकिंग हैं, इनमें 2 पार्ट होगा। इस जनरल बैंकिंग में भी इंटरनल बैंकिंग के भी सवाल पूछे जाएंगे, हालांकि सिलेबस में या आपके पॉलिसी में सिर्फ जनरल बैंकिंग नॉलेज लिखा है, लेकिन अभी 2022 में ही देखा गया है कि ये 20 20 जो 30 नंबर है, इस 30 नंबर में से 40% लगभग इंटरनल बैंकिंग पूछा जाता है। तो मतलब 10 से 12 नंबर जो होंगे वो इंटरनल के होंगे और 20 नंबर जो होंगे लगभग वो जनरल बैंकिंग के होंगे। और जनरल इंग्लिश हिंदी ज़्यादातर हमारे ग्रामीण बैंक के साथी जो है हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, बहुत आसान होता है क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और उसी दिन पढ़ के वहीं समझ के वहीं उत्तर देना है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक जो पढ़ाई लिखाई है वो हिंदी में हुआ है, तो हम में इतनी समझ शक्ति और एक प्रवीणता हासिल है हिंदी में कि जो भी ऑब्जेक्ट सामने आएगा उसको पढ़ के समझ के हम किसी को बता सकते हैं, बराबर है ना प्रवेश जी। हिंदी में हमको इतना कार्य साधक ज्ञान है और साथ ही साथ प्रवीणता है कि हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, हिंदी में लिखा हुआ कोई भी आर्टिकल आएगा, तो हम उसको पढ़ के समझ के दूसरों को बता सकते हैं। वही तो चाहता है क्वेश्चन पेपर कि हिंदी में नया ऑब्जेक्ट देगा, उस ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ये हिंदी का हो गया। तो पैटर्न कैसे चेंज है देखिए, क्लरिकल टू ऑफिसर में इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज रहेगा 20 मार्क्स के और जनरल बैंकिंग, लेकिन स्केल 1 to 2, 2 to 3 में उनमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें लैंग्वेज का कोई पार्ट नहीं होगा, थ्रू आउट बैंकिंग के सवाल पूछे जाएंगे। 2 पार्ट में 25 नंबर बैंकिंग के होंगे जनरल बैंकिंग और 25 नंबर इंटरनल बैंकिंग। अब बात करते हैं सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए, तो ऐसे साथी जो सब स्टाफ हैं, ऑफिस अटेंडेंट हैं और ऑफिस असिस्टेंट्स में जा रहे हैं, तो उनमें रिटन टेस्ट के होंगे 70 मार्क्स और इंटरव्यू के होंगे 30, टोटल 100 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स में से मेरिट होंगे, रिटन 70 मार्क्स के होंगे और इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स के। और ये जो रिटन 70 मार्क्स के होंगे इनमें अरिथमेटिक 35 मार्क्स होंगे और जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है ये 35 मार्क्स के होंगे। तो ये गणित से जुड़े हुए साधारण गणित के जो सवाल हैं, जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है, भाग हो सकता है, गुणा हो सकता है, फिर एलसीएम हो सकता है, एससीएफ हो सकता है, ये सारी चीजें जो हैं ये अरिथमेटिक के आते हैं, ये 35 होंगे और जनरल इंग्लिश और हिंदी जो है वो 35 होंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका जो आर्यव्रत बैंक के आज प्रमोशन का नोटिफिकेशन निकला है,
उसके लिए तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी को ऐसी बनानी चाहिए कि आप जो है अपने कितना कंपटीशन है आपके पास, कितनी वैकेंसी है, फिर कितने लोग हैं और कितने लोगों से ज़्यादा बेहतर करना है, तो उनसे ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी है। तो मेहनत भी ऐसी करनी है कि अच्छा ज्ञान लेना है, सही नॉलेज पढ़ना है, नोट्स बनाना है और फोकस तरीके से पढ़ाना है। बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ लेना है, जो जो पढ़ने की आवश्यकता है उन्हीं को पढ़ना है। तो इसी तरह से आपकी स्ट्रेटजी होगा। और हमेशा याद रखिए, हार वो सबक है जो आपको बेहतर बनाने का मौका देती है। तो हारने से कभी घबराइए मत। अगर कभी पिछले समय आपको हार मिली है, सफलता नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आज आपके मन में जीत को जो है सवार करिए, जीत का सहरा अपने मन में जो है तैयार करिए, और उस जीत के सहरा को पहन के, अपने मुकुट को पहन के आप जो है तैयारी करिए। क्योंकि अगर जो बोलते हैं ना, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, बराबर है ना प्रवेश जी? तो मन से हार गए तो फिर तो हार ही गए। जैसे एक साथी अगर सोच रहा होगा इसमें क्या मेरा सिलेक्शन होगा, 102 लोग हैं, हैं वो तो गया खत्म, फिर वो ऐसे ही हार गया। और यही प्रवेश जी बोल रहे हैं, अरे मैं क्यों नहीं होऊंगा, हैं एक पोस्ट है ना मेरे लिए, बाकी 101 के लिए बाकी लड़े तो फिर जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो संकल्प शक्ति है आपके शरीर में एक ऐसा हार्मोन पैदा करती है, वो हार्मोन अपने खून के रगों में दौड़ जाता है, सब तरफ दौड़ता है और आपको शरीर को वैसा तैयार करने के लिए एक्टिव कर देता है, आपको जागृत कर देता है। इसीलिए जीत होती है कि पहले जीत जो है मन से तैयार करिए, और मन से जब तैयार करेंगे तो आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा, और वो हार्मोन रिलीज होके फिर आपको उसकी तैयारी करने के लिए मादा देगा, जोश देगा, जुनून देगा। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली जब हम जुनून नहीं आता है तो सेशन अटेंड नहीं करते, और जब हमारे पास एक जुनून आता है तो सेशन अटेंड करने की भी ताकत आ जाती है। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी करिए। और सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको रिकॉल क्वेश्चन देखना होगा। और रिकॉल क्वेश्चन जब देख लेते हैं तो फिर आपको एक आइडिया होता है कि हमको कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो अगर कोई साथी के मन में कोई सवाल है, जैसे हमारे विनायक पाल जी आ गए हैं, आशा करते हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो फिर और कोई साथी जो आज हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, जो आर्यव्रत बैंक से हैं, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि एक बढ़िया और टीम बना दीजिए, थोड़ा कुछ साथियों को और जोड़ दीजिए। क्योंकि देखो हम पढ़ा रहे हैं आर्यव्रत बैंक का, लेकिन हमारे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथी जुड़े हैं, क्योंकि आर्यव्रत बैंक के साथी तो है ही नहीं, तो हम किसको पढ़ाएंगे? हम प्रवेश जी को पढ़ाएंगे, ये वरुण जी को पढ़ाएंगे, है ना, दो ही हैं। एक है वरुण, एक है प्रवेश, है ना, एक अनमोल, सनी सिंह जी आ गए हैं। तो बताइए क्या स्ट्रेटजी रहेगी प्रवेश जी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? हिंदी का ग्रुप क्रिएट किया गया है क्या सर? नहीं, एक ग्रुप है प्रमोशन एग्जाम 2022 का, उसी में ऐड कराए जाएंगे। हाँ जी प्रवेश जी, कैसा है? जी सर, इसमें हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा? हाँ, हिंदी का सिलेबस इस तरह से रहता है, 5 चीजें पूछी जाती हैं, टोटल 20 मार्क्स रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे 40। तो एक गद्यांश दिएगा, उस गद्यांश से जुड़े हुए 5 से 6 सवाल, ठीक, गद्यांश देगा मतलब गद्यांश रहेगा, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके आधार पर 5 से 6 सवाल पूछेंगे, एक भाग हो गया। दूसरा भाग है कि मैचिंग ढूंढना, मतलब एक सेंटेंस रहेगा उसका एक शॉर्टकट रहेगा, है ना, एक सेंटेंस रहेगा उसका क्या मतलब है, दांतों तले उंगली दबा देना, इसका मतलब क्या है, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। तो ये लोकोक्ति मुहावरा से जुड़े हुए सवाल आ गया। फिर फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान, खालिस्तान है मतलब एक शब्द लिखा रहेगा और उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो भरना है। और फिर उसके बाद ये 3 तरह की चीज आएगी। चौथा है समानार्थी विलोमार्थी होगा, उससे जुड़ा हुआ समान शब्द है। और एक होता है कुछ मैचिंग जुड़ा हुआ, तो कुछ सैंपल मैंने आपके लॉगिन सेक्शन में डाले हुए हैं, जिससे कि आपको आइडिया आ जाता है कैसे सवाल आते हैं। और कुछ वीडियोस भी लेक्चर हमने डाले हुए हैं, आने वाले सेशंस में हम लोग आपके लिए भी 2-3 और वीडियोस जारी कर देंगे, बता देंगे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं सैंपल वाइज, ठीक है, हिंदी के लिए। और मैंने जैसा बताया, हिंदी के लिए अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं
और एक हिंदी की बुक ले आते हैं। वैसे मैं भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन एक हिंदी की बुक ले आते हैं, और बीच में जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगता है तो उस समय अगर देख लेते हैं हिंदी की बुक पलट के, तो वो भी आपका जो है तैयारी हो जाएगा। बट हिंदी एक ऐसा, जहाँ तक देखा गया है, हमारे साथियों का तजुर्बा है, कि वहीं पढ़ के समझ के भी कई साथी उसको सही कर लेते हैं, और पहले भी तैयारी करके जाएंगे तो शायद जो है आपको एक लय पता चलेगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। ये हिंदी का हो गया, और ज्यादातर ग्रामीणा बैंक में तो इंग्लिश नहीं देते हैं हमारे ये विनायक पाल जी लोग, इंग्लिश दिए होंगे मोस्टली अगर। सर इंटरनल बैंकिंग में हम लोग किस तरह ज्यादा ध्यान दें? इंटरनल बैंकिंग के लिए तो स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए, सबसे पहले एचआर पॉलिसी को अभी पढ़ना है, क्योंकि एचआर पॉलिसी अभी इस साल सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ सवाल में सबसे ज्यादा एचआर पॉलिसी। और दूसरा है क्रेडिट पॉलिसी एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्रेडिट पॉलिसी एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट पॉलिसी जो बैंक के बोर्ड ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है क्रेडिट पॉलिसी, कि आप लोगों का टोटल क्रेडिट एक्सपेंशन की आधारभूत पॉलिसी क्या है। क्रेडिट मैनेजमेंट जिसमें आपके सारे रिटेल के प्रोडक्ट्स आएंगे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आएंगे, एमएसएमई के प्रोडक्ट्स आएंगे, और उनकी मॉनिटरिंग आएगी, उनका रिकवरी आएगा, ये सारा क्रेडिट मैनेजमेंट में आएगा, जैसे ओटीएस स्कीम्स भी आती है। फिर आता है एक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एचआर पॉलिसी आता है, कंप्लायंस मैनेजमेंट पॉलिसी आता है, कंप्लेंट्स रिजोल्यूशन आते हैं, और ऑपरेशन रिलेटेड सारे मैनुअल्स आते हैं, जिसमें ऑडिट भी आता है, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, स्नैप ऑडिट, रिव्यू ऑडिट, स्टेट्यूटरी ऑडिट, ये सारा चीज़ें भी उसमें आते हैं। और जो आपके इंटरनल के सारे एसेट के प्रोडक्ट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और लाइबिलिटी के प्रोडक्ट थोड़े पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आते हैं आपके डिजिटल जो प्रोडक्ट हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, आपके ग्राहक सेवा निवारण पद्धति है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, और अभी एक नया जो पूछ रहा है सवाल वो एक्सपेंडिचर पॉलिसी का पूछ रहा है ना विनायक जी, है ना। ये देखो विनायक जी, तबीयत सही है आपकी? हाँ सर, हाँ सर, अभी ठीक है सर, बेहतर है ना। बेहतर है सर। हाँ माता जी के जब पूजा शुरू होगा ना तो सब और बढ़िया हो जाएंगे आप, है ना। पूजा स्टार्ट हो गया वहाँ? नहीं सर, आज से नहीं, 2 तारीख से है सर। ओके गुड, तो प्रार्थना कर लीजिए पूरी तरह से ठीक हो जाए, शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और ये जैसा डॉक्टर सलाह करता है वैसा कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इंटरनल में और क्या आपको याद आता है अभी बताओ, ये ताजा ताजा एग्जाम दिए हैं हमारे शेखर जी और विनायक जी। सर मैक्सिमम तो सर ऑडिट पॉलिसी हमारे यहाँ तो सर ऑडिट पॉलिसी, इसके बाद सर उसका क्रेडिट पॉलिसी, ये दोनों से ही मैक्सिमम आया था। इसके बाद आया था सर वो फाइनेंशियल इंक्लूशन जो है ना सर, उसका जो पॉलिसी है, मतलब आपका वो बीसी का जो पॉलिसी होता है सर, ओके उसमें से आया था। इसके बाद सर आया था उसमें से सर वो लोन डिसबर्समेंट, मतलब क्रेडिट डिसबर्समेंट जो पॉलिसी है सर, टाइम फ्रेम जो है। हाँ टाइम फ्रेम है ना, हाँ टाइम हाँ फ्रेम है सर, कि एक एजुकेशन लोन कितने दिन में टर्न हाँ अराउंड हाँ हाँ सर, डिस्पोज। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग आर्यव्रत बैंक का सेशंस करेंगे, और ईच एंड एवरी पॉलिसी हम कवर करेंगे। थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है मेरे ख्याल से। अभी प्रवेश पाल जी और हिमांशु सनी जी हैं, 2-3 लोग हैं, वरुण जी हैं, वरुण जी 5-10 के बराबर हैं, वैसे हम इनको मान के चलेंगे कि ये 10 स्टाफ हैं, वैसे हिसाब से हम पढ़ाएंगे इनको, है ना। तो सारी पॉलिसी पढ़ाएंगे, और आप लोग अपने लॉगिन सेक्शन में जाएंगे तो 5-6 पॉलिसी ऑलरेडी है वहाँ पर। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ साथियों को संडे तक और जोड़ दीजिए, तो जी एक सर, बैच अच्छा बन जाएगा, जैसे कि हमारा त्रिपुरा ग्रामीणा बैंक और दूसरे ग्रामीणा बैंकों का बना था, उत्तराखंड वगैरह का। तो हम लोग अगर अच्छे 20-21 साथी जुड़ गए ना, तो मैं सारी पॉलिसीज और सारा चीज़ पढ़ाऊंगा, और नहीं जुड़े तब भी पढ़ाऊंगा, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। जुड़ गए तो थैंक यू सर। अच्छा, नहीं जुड़े तो और अच्छा। कैसे? जुड़ गए तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं जुड़े तो कंपटीशन नहीं रहेगा। तो दोनों तरफ अच्छा है, सब तरफ अच्छा है, और हमें कभी भी दुखी नहीं होना है। ये इस धरती में आए ना, किसी चीज़ का दुख नहीं होना है, हर समय अच्छा होता है, जो भी होगा अच्छा होगा। पास हो गए तो अच्छा, पास नहीं हुए और अच्छा, तो कुछ अच्छा ना कुछ अच्छा ही होगा। तो पास तो होंगे ही, जब पास होंगे तो हमारी तरह से मन का
तो अच्छा ही होगा, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो इसीलिए प्रयास करते रहिए, कुछ साथी जुड़ जाएं तो बेहतर है, एक तालमेल अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हमारे ये दो साथी हैं ना त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के, शेखर जी और ये विनायक जी, इनको बुला लिया करेंगे, आओ रोज हमारी महफिल में आया करो, रोज हमारी महफिल में आया करो और एक शानदार तैयारी करा करो, सफलता तो मिल के ही रहेगी, उसके लिए एक दूसरे का हौसला अफजाई किया करो, एक दूसरे का हौसला अफजाई किया करो। जब हम हौसला अफजाई करते हैं तो एक जोश आता है, एक जुनून आता है, और जब आप एक जोश और जुनून में रहते हैं तो जैसा मैंने कहा आपको, अगर मन आपका स्ट्रांग है तो एक पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होता है। ये देखो अभी जैसे विनायक पाल जी हैं, शेखर जी थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं क्योंकि इनका एग्जाम हो गया, लेकिन एग्जाम के समय इनका सेशन देखिएगा, स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हुआ होगा, इनमें जोश और जुनून थोड़ा अलग सा था, है ना। तो वो क्या होता है, वो हार्मोन है आपके, ईगरनेस, उत्सुकता रहती है, अटेंटिवनेस रहती है, मतलब आपको सुनने की इच्छा होती है, हाँ कोई चीज छूट तो नहीं जा रहा है, लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। तो पंच सूत्र का पालन करना है, पढ़ना एक सूत्र है, लिखना, जैसे अभी जितनी सारी चीजें पढ़े हैं आज तो खैर स्ट्रेटजिक डिस्कशन किए हैं, तो पहले पढ़ना है पहला सूत्र है, दूसरा उसको लिखना। मान लीजिए मैं प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ाऊंगा या आपका क्रेडिट पॉलिसी पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, आप बोलेंगे आपके सामने वो प्रिंट आउट सर्कुलर है, लेकिन है, मैं मानता हूँ, बट अपने हाथ से लिखिए, वो पंच सूत्र है साहब, एसएचजी, बिना पंच सूत्र के आप एसएचजी को फाइनेंस नहीं करते हो। तो ये वो आपने सर जो बोला था वो मैंने बहुत किया और बहुत फायदा हुआ सर, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फायदा। ये बताओ, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये देखो हमारा टेस्टिमोनियल बोल रहा है। आप भले ही नहीं कुछ सोच रहे हो लेकिन वो इतना फायदा करेगा। पढ़ना, पहले पढ़ लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लिए। दूसरा लिखना, आप लिख लिए। और तीसरा आप उसको समझना, समझना मतलब सवाल पूछना, ताकि समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, है ना। ये त्रिपुरा बैंक के तो ये सुबह जो है सवाल पूछते थे, कभी भी याद आइए तो कभी कभी रात को भी पूछता था, याद आया तो अचानक याद आ गया सर कैसे कर, अभी पूछते तो ये उसको बोलते हैं समझना। फिर उसके बाद होता है उसको दोहराना, दोहराना, समझ गए उसके बाद भी दोहराइए, क्यों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारा माइंड अगर स्ट्रेस में भी हो ना, और अगर हम दोहरा के उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले गए हैं तब भी वो गलती नहीं करेगा, समझ में। तो बोलिए अहो अहो सर, क्या कह रहा हूँ कि कई बार ना हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, जैसे ये एग्जाम के दिन भी ये भी स्ट्रेस में आ गया, विनायक जी बोल रहा था गाना खोज रहा था, कौन सा गाना कहेंगे, है ना, तो गाना खोज रहा था तेरे नाम फिल्म का था, है तो जी लेने दो, जी लेने दो, बरी बरसात में पी लेने दो, गाना ही नहीं मिला इसको, है मतलब स्ट्रेस में जब होता है तो ये हम सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए ले जाते हैं चीजों को, कि होश भी ना रहे ना तो वो गलती ना करे, उसका मतलब ये है, आपको तनाव बहुत है फिर भी आप गलती ना करो, इसीलिए कोई चीज को हम सबकॉन्शियस माइंड पे लेके जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाने के लिए क्या है, पहले पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना, और आखिरी जो टूल है पंच सूत्र का वो जबरदस्त है, वो है अभ्यास करना। क्या है वो, अभ्यास करना, अभ्यास। तो पंच सूत्र है, पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना, ये पंच सूत्र का पालन करोगे तो ग्रेडिंग होगा, और ग्रेडिंग आपका 100 नंबर्स के हैं, जिनमें से 50 नंबर रिटन टेस्ट के हैं, 20 नंबर इंटरव्यू के हैं, 30 नंबर अप्राइजल के हैं। तो 30 नंबर तो आप बढ़िया मैनेजर साहब से अच्छा अप्राइजल वगैरह लेके पा गए हैं, 20 नंबर भी अच्छा पा जाएंगे, क्यों, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कह देगा, आपका रिटर्न तैयारी की है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आ जाता है ना इंटरव्यू में, जैसे इन साथियों का भी इंटरव्यू होने वाला है पूजा के बाद, तो इन लोग तो बहुत सारा सेशन देखे भी हैं तो इनको आइडिया है, और भी जब इनका एग्जामिनेशन या इंटरव्यू पास आएगा तो हम लोग इंटरव्यू सेशन और कर देंगे, तो इससे हो जाएगा। रही बात आपके टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स में हमको हमेशा अपडेटेड नॉलेज पढ़ना है, अपडेटेड सर्कुलर्स पढ़ने हैं, तो जहाँ तक रिटन टेस्ट में इंटरनल से जो बैंकिंग से जुड़े हुए अभी हमने डिस्कस बता दिए पांच चीज़ें, एचआर पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट, रिटेल, एमएसएमई, एग्रीकल्चर और ऑडिट पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और आपका जो क्रेडिट से जुड़े हुए चीज़ें जिसमें आपका रिकवरी पॉलिसी भी है। अब अगर हम जनरल बैंकिंग की बात करें तो जनरल बैंकिंग के भी पांच टॉपिक जो है मेजर टॉपिक पे सवाल अभी पूछ रहे हैं। पहला है केवाईसी, जिससे सवाल आएगा ही आएगा। दूसरा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सवाल आएगा ही आएगा। तीसरा है जो है बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी, बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी, जिसमें बैंक चार्ज क्रिएट कर लेता है,
बैंक जो है पेमेंट करता है, वो बैंक की ड्यूटी है कि कोई भी बैंक पेमेंट, तो पेमेंट के मोड चेक से रूले, एनआईडी एक्ट जो ड्यूटी में आता है, एनआई एक्ट जो ड्यूटी में आता है, तो बैंकर्स राइट एंड ड्यूटी। और जो अगला टॉपिक है चार्ज क्रिएशन, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से सवाल आते ही आते हैं। फिर आता है एक बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, जो बैंकिंग प्रैक्टिस एंड लॉ की बात कर रहे हैं, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। और कुछ ऐसे पॉपुलर सवाल हैं जो आपके प्रमोशन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो अब इसको थोड़ा हल्का करने के लिए आप क्या करेंगे, 2022 जनवरी 2022 से लेके आज सितंबर 2022 के आखिरी कगार पर हैं, उतने बीच में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सबके रिकॉल क्वेश्चन लॉगिन सेक्शन में हैं, तो उनको जो है रीड कर लीजिए। होगा क्या, एक चमत्कार होगा, उन्हीं में से 50% हूबहू आ जाएगा, आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। तो 50% को तो कितने मिनट में कर लेंगे, ये देखो हमारा विनायक बताएगा, है ना सर। मेरा तो पूरा पूरा एग्जाम खत्म हो गया था, मुझे मेरा और भी 32 मिनट बाकी था सर। बताओ, तो इसका श्रेय इस पे जाता है क्योंकि आप इतने सारे सेशंस अटेंड किए थे ना, कि वो क्वेश्चन इतनी बार आया होगा कि आपको 5 सेकंड में जवाब कर दिए होंगे। हैं, कई को तो सवाल ही नहीं पढ़ेंगे, आंसर देख के ठीक लगा दिया, यही होगा सर, सवाल शाम को पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चंस भी आए थे। अभी क्या हो रहा है, आपको लेंथी क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन कर दिया आईबीपीएस ने, नया एक्सचेंज कर दिया, सवाल का आंसर है लेकिन उसको बिना मतलब की चीजों को लाइन भर दे रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ऐसा है आपके में भी आया था ना ऐसा? हाँ सर, मतलब और भी सर, और कंफ्यूजन और क्या क्रिएट करता है कि एक ही आंसर का दो क्वेश्चन करता है, सेम आंसर होता है, आंसर सेम होता है लेकिन दो बार दो क्वेश्चन आता है। हाँ, वो कंफ्यूज कर देता है, आपको मानसिक दृढ़ता को जानने की कोशिश करता है कि आप अगर पहला क्वेश्चन किया तो ये तो नहीं हो सकता, दूसरे में टिक लगा दोगे, एक नंबर है ना। तो आपकी मानसिक दृढ़ता कितनी है, आप कितना सुदृढ़ है, उससे पूछता है, सवाल घुमा देता है। सही बोल रहे हैं। और फुल फॉर्म को देखने की जरूरत है, फुल फॉर्म के 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, तो एक एक सेशन हम करेंगे वरुण जी, है ना। न कोई हमें राह आसान चाहिए, न कोई हमें राह आसान चाहिए, न ही हमें कोई पहचान चाहिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि एग्जाम में आपको सफलता मिले और आपके चेहरे पर एक जबरदस्त मुस्कान चाहिए, एक जबरदस्त मुस्कान चाहिए। तो आप मुस्कुराने के लिए हम मेहनत करेंगे, क्योंकि वो मुस्कुराहट सही तरीके से तभी आएगी जब हम परिवार वालों को खुश देखेंगे, अपने आसपास समाज के लोग आपको जो है खुश देखेंगे, तब अच्छा लगेगा। उसके लिए हमको मेहनत करेंगे, मेहनत हम करेंगे मुस्कराएंगे पड़ोसी, मेहनत हम करेंगे मुस्कराएंगे घर वाले, मेहनत हम करेंगे मुस्कराएंगे हमारे मैनेजर साहब। देखो वरुण पास हो गए, राज अपना प्रवेश जी पाल हो गए, पास हो गए प्रवेश पाल जी, है ना। तो सभी साथी पास होंगे, फेल तो कोई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ज्ञान यहाँ पर रहेगा बहुत जबरदस्त, दूसरा आपका तैयारी भी जबरदस्त होगा। तो जनरल बैंकिंग के मैं अपडेटेड सेशन ही लाऊंगा, जनरल बैंकिंग का कुछ भी पढ़ाऊंगा तो अपडेटेड, और जो पुराने सेशन से जिनमें अपडेट नहीं हुआ उसके ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, बराबर। और इंटरनल बैंकिंग हम पूरा पढ़ाएंगे क्योंकि पॉलिसी हर साल बदल जाती है। तो आर्यव्रत बैंक के जो साथी हैं कुछ पॉलिसी उन कल जो है बैंक जाएंगे तो भेज देंगे, तो हम लोग पॉलिसी भी कर लेंगे। फिर जो और बैंकों के कॉम्पिटिशन्स भी तैयार हो रहे हैं, तो अलग अलग बैंकों के भी आप सब तैयार करके रखिए। ये जो फेस्टिवल सीजन है इसमें हम लोग को पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि किसी भी समय फेस्टिवल जैसे ही खत्म होगा पता चला 7 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा। फिर सनी जी बोले अरे गजब हो गया, अभी तो दिवाली मनाया नहीं, नशा उतरा नहीं, फिर एग्जाम आ गया, बोले हैं फटाके फोड़ देंगे वहीं पर। तो हम दिवाली में भी फटाके फोड़ेंगे और एग्जाम और इंटरव्यू का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी फटाके फोड़ेंगे, थोड़े से फटाके बचा के रखेंगे, है ना। तो फटाके मैं भी ऑर्डर किया हूँ, मेरा फटाका आ रहा है कहाँ से, विशाखापट्टनम से आ रहा है ना, शिवकाशी, शिवकाशी तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु से आ रहा है शिवकाशी से। तो एक सेट आ चुका है, दो और आएंगे, थोड़ा दशहरा तक आ जाएगा। क्या नाम है, श्री क्या मीनाक्षी ट्रेडर्स है, कहीं से आया है शिवकाशी से। तो वहाँ क्या होता है, ये एक ऐसा डील है, मैं काफी समय से मंगा रहा हूँ यहाँ शिवकाशी से। अगर आप जुलाई अगस्त में पेमेंट कर देते हैं तो 10,000 का जो फटाका है वो, जिसका वर्थ अभी बाजार में जाएंगे तो 10,000 में, तो वो 3,000 में दे देता है। तो हमने क्या किया, जुलाई में उसको पेमेंट कर दिया 3,000, तो अभी फटाके आएंगे 10,000, तो उसमें से एक पार्ट आया है, दो पार्ट और बचा है। तो ये जो है
ये साल भर में जितने बच्चे हैं ना घर में, दो तीन बच्चे वो फोड़ नहीं पाएंगे, अगले साल भी बचा रहेगा। इतने पटाखे रहते हैं और ऑल टाइप के पटाखे रहते हैं, और वो भी कोई भी पटाखे जो है वो एकदम सॉलिड रहते हैं, मतलब खराब नहीं होते। एक बार धूप में दिखाने की जरूरत होती है, और नहीं भी दिखाएंगे तो भी हो जाएगा। तो चलिए, ये सारे देहरादून जब जाएंगे सर तब पटाखे लेके जाएंगे सर? हाँ हाँ, देहरादून जाएंगे तो पटाखे लेके जाएंगे, या क्रैकर्स वैसे कैरी करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप ट्रेन में आओगे या कोई फ्लाइट में आएगा या किसी तरीके से वहीं क्रैकर करेंगे, है ना? तो उसका जिम्मा लेके जो होस्ट रहेगा देहरादून का वो करेगा अरेंज, है ना? करेगा। देहरादून के लिए 10 और 11 का है, इस वीकेंड में हम प्लान प्रिपेयर हो जाएगा, तो सब हम मैं जारी कर दूंगा, तो अपना अपना सीट बुक कर लीजिएगा कम से, क्योंकि मिनिमम पैक 20 का होगा तब फिजिबल होगा ट्रिप। अगर 20 से कम होगा तो ट्रिप फिजिबल नहीं होता है, मतलब नुकसान होता है ट्रिप में। तो 20 कम से कम पैक से। 10 और 11 सर दिसंबर का है ना सर? हाँ दिसंबर। ओके सर, 10 और 11 दिसंबर और दोनों दिन छुट्टी है। ठीक है सर, ठीक। मतलब 10 तारीख को आपको 10 बजे से पहले वहां पर लैंड करना है, पहुंचना है देहरादून। तब 10 तारीख का पूरा सीरीज ऑफ इवेंट रहेगा, उस दिन भी सीरीज ऑफ इवेंट रहेगा, रात को सेशंस रहेंगे मोटिवेशन, फिर कंक्लूड होगा डिनर के साथ, और फिर अगले दिन भी हम लोग साइट सीन करेंगे और एक छोटा सा सेशन उस दिन भी करेंगे, फिर उसके बाद 10 से 11 के बाद 12 तारीख सुबह डिपार्च करेंगे। एक दिन या कोई दिन आगे पीछे छुट्टी लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। 10 और 10 11 दिसंबर है ना सर? हाँ दिसंबर, ठीक है। तो सभी साथियों को मैं संडे तक उसका एटेनरी और उसका प्राइस और वो सारा दे दूंगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने लिए कर रहे हैं, और जब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखिएगा आपको बाहुबल बढ़ता है, आपका पॉजिटिव जो आपके शरीर में जो है ना काफ़ी कोशिकाएं जो हैं बहुत बढ़िया हो जाएंगी मीटअप में। अभी आपने पटना वाला मीटअप देखा होगा, विजय रजक जी हैं, मैंने वीडियो भेजा था। हाँ मिला सर, देखिए बहुत शानदार है सर, मजा आ गया। हाँ सर, इसमें सिंगल है या ये स्पाउस के साथ जाना है सर? तो वो तो सीट स्पाउस पर जाएंगे तो आप पे करेंगे, आप होके आइए स्पाउस लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रूम मिलेंगे, है ना? तो अगर आप स्पाउस के साथ आएंगे तो एक रूम आपका रहेगा पूरा। एक बात तो है सर कि आपके क्लास को अटेंड करने के बाद जो है ना सर, बैंकिंग ही नहीं सर, मतलब अपने सामाजिक जीवन में भी जो है ना एक बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा सर, मैं ड्यूटी जो बैंक जो जाता हूँ ना, मैं 9 बजे जाता हूँ, बाय बस जाता हूँ, तो आज मैं जिस बस से जा रहा था ना, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है वो, तो वहाँ 5 डॉक्टर की मेरिट से लोग आए हुए थे यूपी से, झारखंड पूरा घूम रहे थे, तो अच्छा। इसी क्रम में वो देवघर जा रहे थे रांची से, तो संजोग से जिस बस में मैं जाता हूँ उसी बस से वो रांची से आए थे और मुझे यहाँ रामगढ़ में चढ़ना था। तो उनसे जब बातचीत होने लगी ना, और बातचीत के क्रम में अनायास ही मतलब जो चीज़ आपसे सीखा हो ना ये विगत 2-3 महीने में, ये सब चीज़ें भी साझा होने लगी, मतलब आप बिलीव ना करेंगे सर कि इतने ज़्यादा प्रभावित हुए ना वो। उसमें से MBBS डॉक्टर भी थे, आयुष डॉक्टर भी थे और डेंटल सर्जन भी थे, 5 लोगों की उनकी टीम थी, सारे लोग दोस्त थे आपस में और सारे लोग घूम रहे थे। लास्ट में पूछे कि आप जो है इतने अच्छे जो है, मतलब इस तरह से आप ये बता रहे हैं समझा रहे हैं, तो उसमें सर मैंने आपका नाम लिया और मैं बताया कि वो हमारे सर हैं, मेंटर हैं, तो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, वो मजाक में कह दिए वो हम लोग डॉक्टरों को भी क्लास देंगे क्या आपके सर जो है सर बिल्कुल आप जानते हैं सर वो कितने देर का सफर था, मात्र आधा घंटे का सफर है वो, जहां से मैं रहता हूँ जहां मुझे उतरना था, आधे घंटे के सफर में इतनी सारी बातें हुई और बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए। और वैसे डॉक्टर्स को भी मैं सेशन दे चुका हूँ रायपुर में, है ना, जो डॉक्टर्स होते हैं 100-150 डॉक्टर्स को भी हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। कारण क्या है, डॉक्टर्स को और ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनमें देखो वो इतना जो मरीज ना अधीर होता है ना मरीज, क्यों, जैसे हम ही मरीज हो जाएंगे तो हमको लगता है कि हमारा जल्दी इलाज हो जाएगा यार, जैसे जल्दी कर दे यार, जो इंजेक्शन लगाना मार दे और वो दूसरा मरीज को धक्का लगा देंगे। तो डॉक्टरों को कितना मतलब मेडिटेशन की जरूरत है, कितना कंसंट्रेशन की जरूरत है, कितना एकाग्रता की जरूरत है और कितना पेनिट्रेशन की जरूरत है, कितना डिसीजन चाहिए उनको फास्ट, क्योंकि उनके अनगिनत इंतजार कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बैंकर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कितने डिसीजन लेने होते हैं, इसलिए अपना अगर व्यवस्था बदलना है तो मन की अवस्था बदल दो,
व्यवस्था तो इतना खतरनाक है, ये हमारे ये देखिए वरुण जी के ब्रांच में घुस जाओ तो दिमाग ही खराब हो जाएगा आपका। ये देखो ये है दिमाग, ये नोच लेते हैं बाल को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो मन की अवस्था को बदलना पड़ेगा। अगर हमारा मन यहाँ व्यवस्थित है व्यवस्था ठीक हो जाएगा। तो हमें फोकस अपने ये जो छोटा दिमाग है ना इसे दोस्ती करना है, इसे दोस्ती करना है। ये सारा फैक्ट्री है बॉस विनायक, ये जो है ना माइंड है फैक्ट्री है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने आप को बदलो। कैसे, अभी दीपावली में बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो नया मोबाइल लॉन्च किए ना, यदि एप्पल 14 लॉन्च किया तो आपने क्या किया, सबने 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार खर्च करके नया मॉडल लिया। तो सैमसंग ये देखो सब फोन बदलेंगे, अभी दीपावली में आ रहे हैं ना, कितने उपभोक्ता श्रेणी की चीजें बदलेंगी। क्यों, क्या कर रहे हैं कंपनी, सब नया मॉडल लॉन्च कर रहा है। अच्छा, सबके हाथ में जो मोबाइल है सब बदल दिए होंगे अभी तक नया नया, पिछले 5 साल में जो मोबाइल था बदल दिए ना विनायक? हाँ सर बदल दिए। क्यों, मेरा पिक्सल है सर। क्यों क्यों बदले बताइए? वो सर अपडेट रहने के लिए। यस, एक रीजन अपडेट रहने के लिए, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब हमारे जीवन को और आसान कर रहा है वो। हाँ हाँ बराबर, स्लिम है, हल्का है, टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड है और इनोवेटिव है। तो हम तुरंत खरीद लिए, तुरंत जाके कब्जा कर लिया, वेटिंग लगा के ब्लैक में भी खरीद लिया, ये नहीं मिल रहा था तो ठीक। तो आप बताओ, ठीक उसी तरह ये है मोबाइल, आप मोबाइल हो है, इसका नया वर्जन कब लॉन्च होगा, कब डेट बताओ, डेट ये कब लॉन्च हो रहा है, द न्यू वर्जन ऑफ मिस्टर विनायक पॉल विल बी लॉन्च्ड ऑन सो डेट। आप अपना वर्जन बदलो, कैसे, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करो, या तो कुछ बोलने का स्टाइल चेंज करो, या तो कुछ पहनने का स्टाइल चेंज करो, कुछ तो चेंज करो यार, कुछ स्लिम ट्रिम हो जाओ वरुण जी, थोड़ा स्लिम हो जाओ है ना, कुछ तो चेंज करो। मतलब यू हैव टू लॉन्च यूर सेल्फ, रीलॉन्च यूर सेल्फ, हमेशा रीलॉन्च करना है। ये देखो ये अभी राजीव नारायण जो है रीलॉन्च हो चुका है, ये लॉन्च ये चेंज हो गया है। पहले जब ये ज्वाइन किया था तो थोड़ा दूसरा बोलता था, लेकिन अभी इसके विचार थोड़े अलग हो गए हैं। तो जो विचार बनाए जिंदगी, विचार बदल गया जिंदगी बदल गई, बजा दो ताली। तो विचार अगर आपके बदल गया तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, और वो हर जगह काम आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज्यादा ये जो राम निवास माथुर जी है ना, सबसे ज्यादा नजरें गड़ा के अगर किसी को देखते हैं ना, वो होता है ये बैंक का बाबू या बैंक का ऑफिसर। सब तो बैंक में घुस के ऐसे देखते थे, क्या कर रहे हैं, किससे फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा कितने लोग देखते होंगे, हजार आंखें देखती होंगी, 500 लोग आते होंगे, दो दो आंखें है ना, दोनों आंखें गड़ा के देख रहे हैं, तो हजार आंखें देख ली। अब बताओ इतने लोग आपको देख रहे हैं और वो बाहर जाके आपकी एक्टिविटी की चर्चा करते हैं कि मैं गया था यार, गया ना तो ये राम देखता ही नहीं यार, बड़ा एकदम थोड़ा घमंडी टाइप का है यार, मुंडी ऊपर देखता ही नहीं, भाई कैसा ऑफिसर है यार, बताओ मतलब क्या हो रहा है आपका जिक्र कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हजार लोग जाके अगर बाहर अगर ये बोल दें कि यार मजा आ गया यार, आज राम निवास माथुर से मिला, क्या बढ़िया डिसेंट ऑफिसर है, आप बिलीव नहीं करो आपकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। समझ नहीं आया तो बोलिए आहो, समझ में आया तो बोलिए आहो। क्या किया आहो। चार जने अगर बोल दिए कि मैं आज बैंक गया था, आर्यव्रत बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या जीआरजीबी गया था और वहां पर एक डिसेंट ऑफिसर से मिला, उससे मिलके मेरा ना मतलब बड़ा मजा आ गया यार, कमाल का है, मतलब आपकी उम्र बढ़ गई, आपकी खुशियां बढ़ गई, आपका स्वास्थ्य बढ़ गया, आपकी सारी चीजें बढ़ गई। आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीजें आपको हासिल करनी है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, पेंशनर आते हैं ना, पेंशनर आते हैं ना, उनको देने से पहले चेहरे में स्माइल लाके दादाजी प्रणाम है, अंकल नमस्ते, कैसे हैं बाल बच्चे, सब ठीक है, आप इतना पूछो, कई लोग आंसू निकल जाता है, बोले मेरा बच्चा नहीं पूछता यार, ये पूछ रहा है हालचाल। इतनी दुआएं देंगे, मैंने तो साक्षात करके देखा है, ऐसा पूछते ही वो अपना पुड़िया से क्या निकालते हैं, लौंग इलायची या कुछ भी प्रसाद वरसाद लेके, एक तो पेंशनर कुछ ना कुछ लेके आते थे, मेरे को लगता था कि यार वो अभी कभी मिलेंगे तो उनको उधार कैसे चुकाऊंगा, मतलब मिठाई लेके आएंगे, लड्डू लेके आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। सोचो ये क्या हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है,
क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में हमसे इतनी सारी गलतियां हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो उसको हमको रिकनसाइल करना है। क्या करना है? क्या करना है विनायक जी? हमारा एक अच्छा जोड़ीदार है, क्या करना है विनायक जी? रिकनसाइल करना है सर। बैंक में क्या डेबिट क्रेडिट होता है, मान लीजिए हमारे से 100 गलतियां हो गई तो हमने 200 अच्छाइयां कर ली, 100 कैंसिल हो गया, 100 अच्छाइयां रही हमारे पास। हमारे पास 100 क्रेडिट है सर। 100 क्रेडिट है, बजाओ ताली बजाओ यार इसके लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, किसी को दिल दुखा के कोई चल रहे हैं तो कोई सा जीव को मार दे रहे हैं, चींटी को मार दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो सारे कहीं ना कहीं ये हमारा डेबिट क्रेडिट होता है। तो हमें हर दिन जो है घर से बीवी से झगड़ा करके गए, आपको 5 जने को खुश करना पड़ेगा मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि इनका जो गुस्सा है बहुत तगड़ा रहता है ना, सुपर प्लस है ना। घर की अवस्था ठीक रखना है तो घर घर की व्यवस्था ठीक रखना है तो बीवी की अवस्था ठीक रखना है, घर वाली की अवस्था ठीक रखनी, उसके लिए जो मर्जी लगे करो, सबका अलग अलग है। किसी रोज मिला तो झंझोड़ दूंगा उसे, किसी रोज मिला तो झंझोड़ दूंगा उसे, जिस जिस जगह से टूटा है जोड़ दूंगा उसे, किसी रोज मिला तो झंझोड़ दूंगा उसे, जिस जिस जगह से टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और ये तो महज इत्तफाक है कि वो छोड़ के चली गई, वरना मैंने कसम खाया था कि छोड़ दूंगा उसे, जिस जिस जगह से टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जोड़ दूंगा उसे। और सबको खुशियां, सबको पसीने बांटते फिरता रहता है सूरज, और सबको पसीने बांटते फिरता रहता है सूरज, साला किसी दिन हाथ आए तो निचोड़ दूंगा उसे, जिस जिस जगह से टूटा है जोड़ दूंगा उसे, किसी दिन मिला तो दूंगा उसे। क्या बात है, कहने का बहुत बहुत बढ़िया सर। कोई टूटा हुआ कस्टमर आ गया ना तो उसको जोड़ देना, गुस्सा वाला कस्टमर आया ना उसको जोड़ देना, जिस जिस किसी रोज मिला तो झंझोड़ दूंगा उसे, थोड़ा हिला देना, और जिस जिस जगह से टूटा है जोड़ दूंगा उसे। आपका काम ही जोड़ने का है। क्या है आपका काम? जोड़ने का ही है आपका काम। क्या है? जोड़ने का ही काम है। और क्यों जोड़ने का काम है? किसी व्यक्ति से जोड़ेंगे तो होगा क्या? मान लीजिए मैं राजू नैन जी को जोड़ा, बैंक के करियर के हिसाब से बता रहा हूँ, हमको नए लोगों को जोड़ना है। जैसे ही आप राजू नैन जी को जोड़ेंगे तो राजू नैन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, और आप क्या करेंगे, उनका जो एसेट है, जो उनके पास संपत्ति है, वो आप बैंक के साथ लिंक कर दिए, पाइपलाइन जुड़ गया, ठीक है, तो आदान प्रदान हो गया, और आप इसी के लिए धरती पर आए हैं, है ना। जैसे नया बंदा मिला, मान लीजिए विनायक पाल जी मिला, और मैं बैंक का मैनेजर हूँ या बैंक ऑफिसर हूँ, तो मेरा मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? वाह विनायक जी, आप तो बहुत स्मार्ट हो, जबरदस्त हो, मैं पहले से ही सोच रहा था आपसे बात करूँगा, बट मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, है ना। तो बोले कि मेरा नाम विनायक पाल जी, ये गोटिया है ना, तो थोड़ा सा अकड़न में बोलेंगे, मेरा नाम विनायक पाल जी, बच्चा बच्चा मेरे को जानता है। अरे मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा सर आपका, और आप मैं तो मतलब मैं बहुत अपने आप को सॉरी फील करता हूँ कि मैं नहीं जान पाया, और आपने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बोले अरे पूरी इधर इतना संपत्ति देख रहे हो ना, मेरा ये क्या मिल गया आपको, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना, मेरी 2 गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा जमीन है, जायदाद है, सब है, आपका क्या? मेरा कुछ नहीं सर, छोटा सा बैंक है बस, आइए है ना। तो आप कस्टमर को जब सुनेंगे ना, तो वो एक इंसान की फितरत क्या होती है, अभी मेरे को ही देख ली, मैं इतनी देर से मेरी फितरत बता रहा हूँ, क्या मैं वही चीज कह रहा हूँ जो मेरे अंदर है? यस और नो? यस। एक इंसान की फितरत क्या होती है, उसके अंदर जो है वो बताते लगता है। तो ये जब हम विनायक पाल से मिले, तो विनायक पाल ने क्या किया, उसके पास जो है बताने लग गया, उसके पास 2 बंगला है, 2 गाड़ी है, 2 बीवी है, 1 घर वाली है, 1 बाहर वाली है, ये सब बताने लग गया, और सब बताने लग गया हमारे लिए, हमारे हमें क्या, हमें उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और उसको हम बैंक से जोड़ देंगे। और वो पूछ रहा है कि आपका क्या? हमारा कुछ नहीं सर, हम तो ये अदना सा कर्मचारी हैं, ये हमारा प्यारा सा बैंक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, आई ना सर हमारे छोटे से बैंक में चाय पीते हैं, और जितनी देर चाय पिए फॉर्म ले आए, उसको इशारा किए माथुर जी को, माथुर जी बढ़िया वाला फॉर्म लेके आओ, हाई नेटवर्क का फॉर्म ले आओ। और बोले सर कमाल करते हो सर, बताओ आप इतना महान शख्सियत यहाँ पर हैं हमारे आसपास, इतने बंगला वाला, अरे तब तक नहीं, इधर राजू ने इनको इशारा कर दिया, जाओ ना जरा गिफ्ट विफ्ट लेके आ जाओ, कुछ जो बैंक का होता है ना, पर्स वर्स बनाते हैं अभी, है ना,
ये मैं पहले से बना के रखता था, अभी आप लोग भी होगा आपके मार्केटिंग टीम काम करती होगी, तो उनको पहले ही दिन वो पर्स दे दिए ताकि वो पैसा रखेगा। अरे कमाल है यार, इसका खाता नहीं खुला है, इतना चीज दे रहा है, खाता खोलने के बाद क्या क्या करेगा, सब तो खोल सब ओपन हो जाएगा। ये होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हमारा काम लोगों को जोड़ने का है और समाज का विकास करने की बात है। तो आपको नौकरी करने के लिए उस जगह में नहीं भेजा गया है, आपको भेजा गया उस जगह में, उस जगह का चरित्र निर्माण करना, वहाँ के लोगों का विकास करना। अगर आप जिस जगह में आप पोस्टिंग है और जिस जगह में आप पोस्टिंग करके अगर चार लोगों का भला कर पाते हैं, उनको उनका जीवन स्तर सुधार पाते हैं, उनको एक अच्छा घर दे पाते हैं, उनको एक व्यवसाय दे पाते हैं, तभी आपकी असली जीत है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है। ये जो कुछ सिखाया ये तो महज एक पन्ना है, अभी तो सीखने को पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी है। तो इस पंक्तियों से मैं आपसे विदा लेता हूँ और कल फिर मुलाकात करेंगे, आर्यव्रत सेशन और भी करेंगे, थोड़ा सा कुछ साथियों को और ले आइए साथ में तो अच्छा रहेगा। संडे से हम लोग आपका इंटरनल करेंगे और कल कुछ जो है मैं चेक से रिलेटेड सेशन करूंगा, वो तैयार था आज करना था बट आज ये अनाउंसमेंट आया इसलिए मैं ये सेशन किया। तो फिर मुलाकात करेंगे, माता रानी आप सबकी रक्षा करेंगी, आपको समृद्धि देंगी, शक्ति देंगी और भरोसा देंगी। बताइए विनायक जी। सर हम लोगों का इंटरव्यू सर 16 से मतलब 17 से 16 के बाद 17 से 21 के अंदर है सर, तो एक दो दिन सर एटलीस्ट रखिएगा हमारे लिए सर। 2 तारीख को इंटरव्यू का एक सेशन रख रहे हैं, संडे को तारीख छुट्टी के दिन, तो हम लोग 2 घंटे का रख देंगे, तो उसमें नए स्ट्रेटजी बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेटजी साझा किया हूँ, उसके अलावा नई स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट दिन और रात्रि सुबह। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। चलो।